नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हम आपका स्वागत करते हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया के एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कल और आज के सुपर 8 के मैचेस के बारे में, 14 मार्च और 15 मार्च के मैचेस के बारे में, जहाँ पे आज आपको काफ़ी थ्रिलिंग एक्शन नज़र आया। तो हम 14 मार्च से शुरू करते हैं, जब आपको मिले थे काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबले। सबसे पहले जो मुकाबला था वो आंध्रा और वहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुकाबलों में उड़ीसा और चंडीगढ़ खेल रहे थे ग्रुप ए से पहला मुकाबला। वहाँ पे उड़ीसा ने चंडीगढ़ को 60 रन पे बम्बल आउट कर दिया। हर गेंदबाज ने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया वहाँ पे, और काफ़ी आसान से मैच इसको यहाँ पे बोल सकते हो जीतने के लिए सिर्फ 60 रन पे ऑल आउट कर दिया, और उसके जवाब में 61 रन काफ़ी आसानी से चेस किए। जो चंडीगढ़ के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे ताज मोहम्मद, जिन्होंने 63 गेंदों में 23 रन बनाए, सबसे धीमी इनिंग्स जो शायद हमने नागेश ट्रॉफी में देखी होगी। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ के लिए और कोई कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं ज़्यादा कुछ। उसके बाद देखें तो काफ़ी आसानी से वहाँ पे उन्होंने टारगेट को चेस कर लिया उड़ीसा ने काफ़ी आराम के साथ, और मैच को जीतने में कामयाबी रही दिखाई। 6.2 ओवर में ही 61 रन चेस कर लिए। उसके बाद देखें तो जो दूसरा मुकाबला था उसी ग्रुप में, यानी ग्रुप ए में, आंध्रा खेल रहा था हरियाणा के अगेंस्ट, और ये क्लैश काफ़ी मज़ेदार होने वाला था। अगर हरियाणा को सेमीफाइनल में जाना था तो उन्हें उस मुकाबले को जीतना ही था, और अगर आंध्रा को सेमीफाइनल की अपनी बर्थ पूरी तरह से सिक्योर करनी थी, क्योंकि ओडिशा वाला गेम तक अगर उनको नहीं जाना था तो उन्हें हरियाणा को हराना था। और टॉस पहले जब बैटिंग आंध्र प्रदेश कर हरियाणा ने किया तो 153 रन बनाए, जिसमें से 93 रन दीपक मलिक ने बनाए, शानदार इनिंग्स। और हरियाणा की टीम से वन साइडेडली वो बैटिंग कर रहे थे, तो आप सोच सकते हो कि एक टीम की तरफ से जब 93 रन 153 के टोटल में कोई बंदा बना ले तो कितना डोमिनेट किया ही होगा मैंने। उसके जवाब में देखिए तो काफ़ी आसानी के साथ वहाँ पर आंध्र प्रदेश मैच जीत गया, 154 रन बनाए 17.2 ओवर में। और उस इनिंग में भी अजय रेड्डी के वापसी का यहाँ पे आपको देखने मिला फल, क्योंकि अजय रेड्डी ने कल पहले मैच में भी 66 रन की इनिंग्स खेली थी और शतक, और आके दोबारा एक शानदार 93 रन बनाए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। उसके बाद देखें जो तो दूसरा मुकाबला था ग्रुप बी से, जो दूसरे वाला ग्रुप है, हम ग्रुप बी की बात करेंगे, तो वहाँ पे कर्नाटक खेल रहा था झारखंड के विरुद्ध, जहाँ पे कर्नाटक की टीम ने झारखंड को 267 रन बना दिए, ठोक दिए, जिसमें सुनील रमेश का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा बहुत ही आसानी के साथ, उन्होंने 151 रन 68 गेंदों में बनाए, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। जवाब में झारखंड की टीम सिर्फ 138 ही रन बना सकी, और 129 रन से बहुत ही भारी हार होने मिली। उसके जवाब में देखे तो बहुत ही भारी हार, जैसा कि मैंने बताया, उन्हें मिली, और उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा बड़ा बोल सकते हो कि अंतर रहा मैच के जीतने पे। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला ग्रुप बी में खेला गया था 14 मार्च के दिन, जो कि आखिरी मुकाबला था 14 मार्च का, वो था देखिए दोस्तों दिल्ली बनाम गुजरात, जो कि ऑफकोर्स गुजरात को अगर अपनी पोजीशन पूरी तरह से सिक्योर करनी थी तो ऑफकोर्स ये मुकाबला जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और अगेन गुजरात की टीम दे डिड इट एज वेल, 170 रन पर रोकने में कामयाब रहे उन्होंने दिल्ली को, और 170 पर रोका, 171 रन काफ़ी आसानी से चेज भी कर लिए, जिसमें सर्वाधिक रन गेटर रहे दिनेश रतावल, एक शानदार इनिंग्स उनके तरफ से 85 रन की, और दो मैचेस में दो कंसेक्यूटिव अर्धशतक लगाकर गुजरात को टॉप पे मतलब सेमीफाइनल्स के लिए अपनी जगह सुनिश्चित करवाने में उनका योगदान काफ़ी बेहतरीन रहा क्वार्टर फाइनल्स में आके, सुपर एट में आके। 15 मार्च के दिन हमें ये चार सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके थे, और हम ये देखना चाहते थे कि मैचेस किन दो मतलब किन टीम्स के होने वाले हैं। तो ये सिचुएशन वो बन रहा था कि जो ए ग्रुप से टॉप करेगा जो वो बी ग्रुप के सेकेंड नंबर की टीम से खेलेगा, और जो बी ग्रुप से टॉप करेगा वो ए ग्रुप के सेकेंड नंबर की टीम से खेलेगा। तो जो पहला मुकाबला खेला गया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था आज के दिन का, वो मुकाबला हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी मुकाबलों में से एक मुकाबला रहा था, जब आंध्र प्रदेश की टीम खेल रही थी उड़ीसा के विरुद्ध। उस मुकाबले में आंध्र प्रदेश की टीम ने 202 रन बनाए, जिसमें दोना वेंकटेश्वर राव ने 102 रन बनाए 53 बॉलों में, शानदार पारी उनके बल्ले से निकली, 14 चौके माफ कीजिए और 3 छक्के उन्होंने जड़े, शानदार पारी, और उनके इन 102 रनों की वजह से 202 रन बनाने में कामयाब रही आंध्रा की टीम। जवाब में देखे उड़ीसा के लिए 58 बॉलों में 95 रन की पारी सुखराम मांझी ने भी खेली, उन्होंने भी 14 चौके लगाए, लेकिन जस्ट कुड नॉट हियर, क्योंकि एक समय पे लग रहा था कि जब तक सुखराम मांझी क्रीज पे थे मैच आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा जब सुखराम मांझी आउट हुए, और उसके वजह से
काफ़ी आसानी से स्थिति रही वहाँ पे। उड़ीसा मैच आखिरी में 7 रनों से हार गया, करीब आने के बाद हार गए, ये अनफॉर्चुनेट रहा। और उड़ीसा को सेकेंड पोजिशन से कंटेंट होना, क्योंकि देखिए अगर उनको पता था कि गुजरात और कर्नाटका में से जो जीतेगा मोस्ट प्रॉब्ली कर्नाटका के चांसेस थे, तो अगर कर्नाटका जीतता वहाँ पे ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, तो वो टॉप करता और अब ए ग्रुप में से सेकेंड नंबर की टीम उड़ीसा बन गई थी, तो उन्हें कर्नाटका को खेलना पड़ता। इस सिनेरियो में उड़ीसा के लिए थोड़ा टफ होता अगर वो प्रेफर्ड करते कि वो गुजरात के साथ खेले रैदर देन कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है गुजरात से, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऑफकोर्स ये यहाँ पे सिचुएशन बनती है, लेकिन गुजरात की टीम ने अगेन दे डिड इट्स वेल, ब्रिलियंट जॉब। सो अब हम चलते हैं दोस्तों अभी गुजरात की टीम पे आते हैं, जो आखिरी मुकाबला आखिरी सेमीफाइनल रहा था कर्नाटका और गुजरात के बीच में, सेमीफाइनल नहीं आखिरी मुकाबलों में से एक, जो ए ग्रुप से बी ग्रुप से कौन टॉप करेगा वो डिसाइड करना था। वहाँ पे 202 रन्स बनाए कर्नाटका की टीम ने, वहाँ पर शानदार पारी खेली सुनील रमेश ने, 74 रन 34 बॉलों में 11 चौके जड़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट पारी, और उनके उस प्रदर्शन के वजह से कर्नाटका की टीम ने 202 रन्स बना दिए। लेकिन एक टाइम पे लग नहीं रहा था कि वो 200 बनाएंगे। उसके बाद जब गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने आई तो गणेश की तरफ से 49 रन्स और गुजरात की टीम ओवरऑल 185 रन्स ही बना सकी, 17 रनों से मुकाबला हारे, काफ़ी करीबी मैच हारे, और उसी वजह से यहाँ पे गुजरात की टीम को सेकेंड पोजीशन से कंटेंट करना पड़ा। तो अब गुजरात आंध्रा से खेलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला रहेगा गुजरात के लिए, वो अगर फाइनल में पहुँचना चाहेंगे और आंध्रा के विरुद्ध खेलकर जीतना चाहेंगे तो काफ़ी ही मुश्किल टास्क है। वहीं कर्नाटका के विरुद्ध खेलेगी उड़ीसा, तो देखिए गोना बी अ फैबुलस फैबुलस सेमीफाइनल्स। कर्नाटकन मेंस टीम जो है उनकी वुमेंस टीम का बदला ज़रूर लेना चाहेगी। कर्नाटकन वुमेंस टीम को अगर आपको याद हो तो काफ़ी आसानी से कर्नाटका की उड़ीसा की वुमेंस टीम ने हराया था, तो उड़ीसा और कर्नाटका सेमीफाइनल नंबर 2 में मिलने वाले हैं एक दूसरे के विरुद्ध, और सेमीफाइनल नंबर 1 होने वाला है गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच। इस सीक्वेंस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, एज सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है ये 2 सेमीफाइनल इस सीक्वेंस में रहेंगे, ए टॉप वर्सेज बी सेकेंड और फिर बी टॉप वर्सेज ए सेकेंड, इस तरह से ये 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये कंफर्म अपडेट्स में से एक समझ सकते हैं आप। तो कल आपको 2 सेमीफाइनल्स खेलते हुए नज़र आने वाले हैं और उसके सारे के सारे अपडेट हम आपको हमारे चैनल पर देंगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। हम नॉकआउट फेजेस की तरफ जा रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे तुरंत ही ग्राउंड से लाइव टू लाइव अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो बस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।